निगार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी। तो चलिए देखते हैं ग्रामर के सम रूल। तो चलिए देखते हैं सेल्डम, नॉट सेल्डम, नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, सो क्विकली, ऑल दीज आर एडवर्ब्स। तो चलिए देखते हैं इनका क्या रूल है। इफ़ द सेंटेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाई एन एडवर्ब, इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। तो क्या मतलब हुआ, यानी जब इन वर्ड से यानी इन एडवर्ब से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है, सेंटेंस इंट्रोड्यूस्ड होता है, तब इन्वर्जन लगता है। और ये इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना, यही इन्वर्जन है। तो चलिए देखते हैं, सेल्डम ही विजिट्स हिज पेरेंट। अब देखिए ये सेल्डम एक एडवर्ब है, और ये कैसा एडवर्ब है, ये एक निगेटिव एडवर्ब है, और इससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। सेल्डम ही विजिट्स हिज पेरेंट, तो जब निगेटिव, जब ये एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो क्या लेगा अपने साथ, इन्वर्जन लेगा। और चूंकि यहाँ पर अपने साथ इन्वर्जन नहीं लिया, तो ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस है सेल्डम डज ही विजिट हिज पेरेंट। तो देखिए सेल्डम एडवर्ब है, इसने अपने साथ इन्वर्जन लिया, ये डज यहाँ कर कैसे आया, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। प्रेजेंट इंडिफिनिट की एक्जली वर्ब होती है डू या डज, डज यहाँ पर किस लिए आया, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट ही है। तो सेल्डम डज ही विजिट हिज पेरेंट। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ही सेल्डम विजिट्स हिज पेरेंट। अब यहाँ पर सेल्डम बीच में आया है, कहाँ पर आया है, बीच में यानी सब्जेक्ट के बाद आया है। अब ये सेंटेंस क्या है, अब ये सेंटेंस सही है, क्योंकि यहाँ पर ये एडवर्ब है, निगेटिव एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं आया है, ये सेंटेंस के मिडिल में आया, यानी सब्जेक्ट के बाद आया है, और ये सेंटेंस सही है। दूसरा देखते हैं, नॉट सेल्डम ही विजिट्स हिज पेरेंट्स। अब यहाँ पर नॉट सेल्डम आया है, नॉट सेल्डम कैसा एडवर्ब है, निगेटिव एडवर्ब है, और जब ये एडवर्ब, ये यानी ये निगेटिव एडवर्ब सेंटेंस में आ जाते हैं, तो ये अपने साथ दोबारा निगेटिव वर्ड नहीं लेते हैं, साथ साथ में जब ये स्टार्ट में आ जाते हैं, यानी सेंटेंस के सब्जेक्ट के पहले आ जाते हैं, तो ये अपने साथ क्या लेते हैं, इन्वर्जन लेते हैं। तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है। सही सेंटेंस है नॉट सेल्डम डज ही विजिट हिज पेरेंट्स। वहीं पर एक और सेंटेंस देखते हैं नो सूनर से, नो सूनर डिड शी रीच द स्टेशन दैन शी मेट हर फ्रेंड्स। जब नो सूनर आएगा तो अपने साथ क्या लेगा, दैन लेगा, क्या लेगा, दैन लेगा, यानी पहला सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट होगा तो दूसरा सेंटेंस दैन से, और जब हार्डली आ जाएगा तो अपने साथ क्या लेगा, वेन लेगा। डिड शी रीच द स्टेशन दैन शी मेट हर फ्रेंड, तो जब नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो अपने साथ क्या लेगा, इन्वर्जन लेगा। तो इसने अपने साथ क्या लिया है, इन्वर्जन लिया, यानी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आई है, साथ साथ में जब नो सूनर आएगा तो अपने साथ क्या लेगा, दैन लेगा। तो चलिए देखते हैं, नो सूनर डिड शी रीच द स्टेशन दैन शी मेट हर फ्रेंड। तो ये सेंटेंस क्या है, सही है, क्योंकि नो सूनर सेंटेंस के स्टार्ट में आया है, तो इसने अपने साथ इन्वर्जन लिया, साथ साथ में इसके साथ क्या आया है, दैन आया है, तो ये सेंटेंस क्या है, सही है। Hardly had she reached the station when, जब हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो अपने साथ क्या लेगा, इन्वर्जन लेगा, और इसके साथ क्या आएगा, when आएगा, क्या आएगा, when आएगा। Hardly had she reached the station when she met her friend, तो hardly क्या है, एक negative adverb है, और जब hardly से sentence start होगा तो अपने साथ inversion लेगा। इन्वर्जन का मतलब सब्जेक्ट से पहले एक्जली वर्ब, तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले एक्जली वर्ब आया है, और साथ साथ में जब इसके साथ, यानी जब हार्डली से सेंटेंस शुरू होगा तो दूसरा सेंटेंस वेन से कनेक्ट होगा, यानी हार्डली अपने साथ क्या लेता है, वेन लेता है। तो देखते हैं, हार्डली हैड शी रीच द स्टेशन वेन शी मेट हर फ्रेंड, तो ये सेंटेंस कैसा है, सही है। यहाँ देखिए नो सूनर अपने साथ क्या लेता है, देन लेता है, और हार्डली अपने साथ क्या लेता है, वेन लेता है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब